पूरन सिंह को कौन नहीं जानता, उनके ठहाके सभी को हंसाने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक कि फिल्मों में उनका किरदार भी कुछ मजाकिया टाइप का ही होता है। वैसे हाल ही में अर्चना द कपिल शर्मा शो में जज बनी हुई हैं। वो कुर्सी पर बैठे हुए अपने हंसी के ठहाके लगाते हुए देखी जाती हैं। ये तो सब जानते ही हैं कि अर्चना सिद्धू की जगह पर वहाँ बैठी हुई हैं। इन सब को लेकर मजाक मजाक में अर्चना से पूछा भी जाता रहा है कि आप सिद्धू की जगह को खा गई हैं या आपने उनकी जगह क्यों ली है। कुर्सी को लेकर भी इतने सवाल हुए हैं, लेकिन वो इन सब बातों को हंसी में निकाल देती थी। लेकिन अब अर्चना ने इसका खुलासा किया है। जी हाँ, अर्चना पूरन सिंह ने ये खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया है। अर्चना ने बताया कि किस तरह से वे द कपिल शर्मा शो में शामिल हुई हैं और उन्होंने वो कुर्सी को अपना बना लिया है। दरअसल अर्चना ने कहा कि जब कपिल शर्मा शो शुरू हुआ था तो वो कॉमेडी सर्कस शो जज कर रही थी। इस शो का हिस्सा कपिल रह चुके हैं। जब मैं शो को कर रही थी तो कपिल के शो के निर्माता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आए। इस चीज को लेकर आगे अर्चना ने कहा कि जब सिद्धू कपिल के शो से 2 हफ्ते के लिए गए तो कपिल ने मुझे महज 2 एपिसोड में आने के लिए फोन किया, पर सिद्धू को चुनाव प्रचार के लिए दोबारा जाना पड़ा तो मुझे और एपिसोड में आने के लिए कहा गया। मैं शो का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक थी क्योंकि स्टेज के पीछे और स्टेज के आगे पूरी कास्ट ज़्यादातर कॉमेडी सर्कस की थी और वो मुझे बहुत अच्छे से जानती भी थी। एक तो 2 बार साथ में काम करने का मौका मिल रहा था तो कपिल और टीम के साथ काम करने मुझे काफ़ी आराम मिला और मुझे काफ़ी खुशी मिली। यानी कि अर्चना का सीधा साधा मतलब ये था कि वे कपिल के साथ उनका पुराना रिश्ता है, तो हालांकि देखा जाता है कि इस कुर्सी पर उन्हीं का हक बनता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से नाजमिन की रिपोर्ट।